हेलो एवरीवन, हेलो। मेरा नाम जमुना सोमानी है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। आज फिर से मैं लाइव आई हूँ अमूल के पेज पे। खैर, हम अमूल की टीम का थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत हमको इतनी बड़ी जो प्लेटफॉर्म मिलता है। आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ, क्योंकि किसी का भी किचन देखिए, आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता अमूल का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी, सबको अमूल के प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मेरा ही ले लीजिए, मेरी छोटी सी नाती ने 3 साल की, उसको भी अमूल के प्रोडक्ट इतने पसंद है जिसकी हद नहीं, छोड़ती नहीं है वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए देखिए, आप सामग्री देखिए, मैं आज बनाऊंगी अमूल की चीज और पनीर से मतलब पिज्जा उत्तपम बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैंने सब तरह की दालें ली थी, उनको थोड़ी 2-3 घंटे सोक करके और फिर मैंने पीस ली थी। उसमें थोड़ा पालक भी डाला था। और ये जो चीज ली है मैंने अमूल की, ये बटर है, जैसे पनीर के पीसेस करके लिए हैं, गाजर है, प्याज है, पत्ता गोभी, थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक लिया है, काली मिर्ची है, शिमला मिर्ची, और ये पिज्जा हब्स हैं। तो चलिए अपन तैयारी शुरू करेंगे बनाने के लिए। तो जो ये बैटर है, गैस को ऑन करेंगे। ये देखिए, अभी इसमें हम तो ये बैटर लिया है, इसके अंदर हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे, गाजर, शिमला मिर्ची डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए, काला नमक डाला है, थोड़ा सादा नमक डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़े पिज्जा हब्स डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बैटर ना ज्यादा पतला होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मीडियम साइज का रखना है अपने को। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और हेल्दी लिया है मैंने, सारी दालें डाली इसमें, पालक भी डाला है। अभी रेनी सीजन है, जैसे बारिश का मौसम है, गरम गरम किसी को नाश्ता करना हो तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अभी हम गैस को ऑन कर दिए थे, इस पे थोड़ा बटर लगाएंगे। बहुत ही अच्छा नाश्ता बनने वाला है। अभी इस पे हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे, ये देखिए और भी आपको मटर वगैरह कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन अपन ने जो दाल का बनाया, दाल का टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा वेजेस भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है आपको। मटर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, पर ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। इसके हम थोड़ा सा पनीर डालेंगे, ये देखिए मस्त बनने वाली है।
इसको हम पलट देंगे, फिर थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। आप पनीर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, पर ऐसे पीसेस डालेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो हम पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही मस्त रेसिपी है। सबको पलटना है इनको अच्छे से। देखिए थोड़ी देर इसको अच्छा सेकेंगे। बटर डालेंगे इसमें, आप अगर बटर नहीं डालना चाहते हो अमूल का घी भी डाल सकते हो, पर बटर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। देखिए कितनी मस्त लग रही है दिखने में भी। अच्छे से सेकना है, बारिश का मौसम है तो रेसिपी तो बनती है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मस्त रेसिपी है, बहुत ही कम सामान में बनने वाली रेसिपी है और बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट है, जैसे दाल वगैरह, पालक, सब हेल्थ, आजकल सब हेल्थ के इसमें ही चलते हैं, सबको हेल्दी का प्रॉब्लम रहता है हेल्थ का। कितनी प्यारी लग रही है हमारी रेसिपी, देखिए आप। अब इसका हम चीज थोड़ा चीज ग्रेट करेंगे। सभी जन खा सकते हैं, रेनी सीजन की बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर किसी को चीज पसंद नहीं है तो मत डालिए, पर चीज से भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है रेसिपी। बहुत कम सामग्री और बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, सुपर, खाने में भी टेस्टी, बनने में भी जल्दी और एकदम हेल्दी रेसिपी है। ये 2 मिनट और जाएंगे, थोड़ा सा चीज मेल्ट होगी के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए लग रही है ना मस्त,
मुंह में पानी आने वाली जैसी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए करीबन हमारी ये उत्तप्पे जो बनाए वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको खाने के लिए प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हम इसको सर्व करेंगे। इतनी प्यारी लग रही चीज और पनीर की जो रेसिपी बनाई है हमने उत्तप्पा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है, खाने में भी टेस्टी। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी है। थैंक यू सो मच।